खींचे जम्बील नामा की तो नज़र नहीं, तो नहीं देता मुझसे कोई पूछे कि मैंने जिंदगी भर क्या किया है तो मेरा जवाब यही होगा कि मैंने सिर्फ औरत की खूबसूरती का जहर पिया है यह जहर मेरी रग रग में दौड़ रहा है ये मेरी सारी जिंदगी में कड़वाहट खोल गया है आज कैसी सर्द रात है हाथ पांव ठंडे बर्फ होते जा रहे हैं बाहर हवा कितनी तेजी से चल रही है जैसे बंद दरवाजों और बंद दिलों को आज झंझोड़ने पर तुली हुई हो ये तेज हवा आज हर बदन को सर्द कर देगी हर दिल की भड़कती हुई आग बुझा देगी आज दस बरस के बाद तारे आया था मगर वो अपने साथ क्या क्या ले गया मैं उस आदमी की तरह गिरा जा रहा हूँ जिसके सर पर दस बरस तक दस मन बोझ रखा हुआ हो मैंने शाम से अब तक शराब की दो बोतलें चढ़ा डाली हैं लेकिन पता नहीं आज शराब को भी क्या हो गया है आज मेरी शायरी कहाँ चली गई आज मेरे मूड को क्या हो गया सब मेरा साथ छोड़ चुके हैं कोई मेरे पास नहीं है जमीला भी वो अपने बच्चों को सीने से लगाए गर्म लिहाफ़ में दुबकी बड़े सुख की नींद सो रही है कितना सुकून है मेरी बीवी के चेहरे पर वो बिल्कुल नहीं जानती कि उसने अपनी इस मासूमियत इस दहकते हुए हसीन चेहरे की आग से किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर डाली है कोई मुझसे पूछे कि मैंने ज़िंदगी भर क्या किया है बस यही ना कि एक औरत की एक झलक देखने के लिए इंतज़ार करता रहा इस इंतज़ार में लड़कपन से बुढ़ापे की सरहद पर आ लगा इसी धुन में जिंदगी के सारे लुत्फ तमाम मज़े उमंगों की उम्र का तमाम हुसन सब मेरे आसपास से मुझे छुए बग़ैर गुजर गए अपने ऊपर लिहाफ खींच कर मैं तारीकी की गोद में छुप जाता हूँ जैसे अब मुझे बाहर की रोशनी से तीखी सर्द रात से और बेखुद बना देने वाली चांदनी के जादू से कोई सरोकार ना हो अंधेरे में पूरी तरह आंखें खोलकर मैं पंद्रह साल पहले की जिंदगी की एक एक याद को सामने रख रहा हूँ वक्त की गर्द झाड़ पहुँच उन्हें चमका रहा हूँ मैं इस वक्त कहाँ हूँ कहाँ आ गया हूँ मेरे पास पलंग पर मेरे तीनों बच्चे सो रहे हैं और वो वो औरत जो मेरी बीवी है वो हमेशा दूसरे पलंग पर अपने बच्चों के साथ सोती है क्योंकि मैं हमेशा उससे बहुत दूर रहा हूँ जब कभी दो पैसे की टकियाई की तरह जरा देर के लिए मैं उसे अपने पास बुलाता तो मेरे तस्वुर में कोई और औरत होती और उस वक्त मैं ये सोच सोच कर हसद की आग में जलने लगता कि वो भी किसी मर्द की बाहों में होगी फिर मैं जमीला को पलंग पर धकेल देता था और अपनी सिस्कियों को हल्क में दबाकर खुद ही पलंग पर गिर जाता था कुछ दिन बाद जमीला इस भेद को समझ गई थी ऐसे वक्त वो मेरे बालों पर हाथ फेरने लगती अपने गाल मेरे कांधे से लगा कर कहती कभी मुझे भी तो बताइए कि वो कौन थी कहाँ है उस रात हम दोनों जागते थे मैं उसकी याद में और जमीला मेरा साथ देने के लिए जमीला का हाथ मेरे हाथ में होता जमीला के कांधे पर मेरी गर्दन होती उसके खुले हुए बाल मेरे आंसुओं से भीग जाते कैसी अजीब औरत है ये जमीला मुझे अक्सर ताजुब होता कि वो मुझे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती वो मुझसे क्या पाने की उम्मीद में बैठी है जमीला की इसी अदा ने मुझे घेरे रखा था और इसी चक्कर में आकर मैं उसके तीन बच्चों का बाप बन गया हालांकि मेरा दिल अभी तक था। मैंने अपनी चाहत अपनी प्यास अपनी मोहब्बत का हीरा अभी तक अपने ही दिल में छुपाए रखा था मर्द की भी अजीब साथ होती है इश्क धंधे में वो कभी बीवी को शामिल नहीं करता बीवी रोटी सालन की तरह जिंदगी की एक जरूरत बन जाती है लेकिन उसकी ज़िंदगी की तकमील हमेशा महबूबा से होती है वो अनकहा जज्बा वो बेनाम सी तड़प दिल की वो गिरहें जो किसी के चाहने से खुल जाती हैं मेरे दिल में बन पड़ी थी और मैं पुरवा में दुखने वाले ज़ख्म की तरह यादों के घाव को समेटे बैठा था एक ऐसे दुख को जो सिर्फ मेरा है मुझे खुद याद नहीं कि ये किस्सा कब शुरू हुआ था मैं फर्स्ट ईयर के लिए पहली बार कॉलेज गया तो तारिक से दोस्ती हो गई इससे पहले मैं अपनी अम्मा की सख्त निगरानी में पला हुआ हाई स्कूल का एक भोला भाला लड़का था कभी अकेले सिनेमा जाने की इजाज़त मिली थी ना रूमानी नावल पढ़ने की अम्मा जालिम बादशाहों की तरह निगरानी करती थीं और अब्बा कहते थे कि लड़कों का काम सिर्फ ये है कि दिन रात आँखों से किताबें लगाए रखें मैं भी अपनी इस हालत पर खाने हो चुका था कि शरीफ लड़कों का यही वतीरा होता है मगर कॉलेज में तारिक क्या मिला कि मैंने अम्मा के सारे अहकाम दिमाग से निकाल फेंके तारिक बड़ा छटा हुआ था वो मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें ले बैठता कि घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल हो जाता वो दुनिया की हर बात जानता था महल्ले की लड़कियों से इश्क लड़ाता और छुप छुप कर सिगरेट भी पीता था मैं तारिक से दूर दूर रहना चाहता था मगर कोई अनजानी कशिश मुझे उसके करीब खींच कर ले जाती थी तारिक बड़ा बातूनी और बेबाक था रास्ता चलती लड़कियों को देख कर बेझिझक सीटियां बजाता उनके नाक नक्शे पर फिक्रे करता, उनकी अदाओं का जिक्र कर कर के मोहब्बत के नारे लगाता मुझे उसकी बातें सुनकर बड़ी शर्म सी आती थी इसके बावजूद मैं गुमसुम उसके साथ साथ चलता एक दिन हम दोनों कॉलेज जा रहे थे कि अचानक तारिक ने कहीं ऊपर देखते हुए कहा खड़ी है खड़ी है अरे हाय हाय अंदर चली गई कौन कौन थी मैंने ऊपर देखते हुए पूछा हाय हाय क्या चीज है जालिम मैं तुझे बता नहीं सकता यार ये बता तुझे शायरी करना आती है शायरी मैंने डरते डरते कहा बस थोड़ी थोड़ी आती है असल में अब्बा बड़े अच्छे शायर हैं अरे हटा यार हमें ऐसी बासी फीकी सीटी फटीचर शायरी नहीं चाहिए काश हाय काश कोई शायर उसे देख ले कैसे मैंने फिर डरते हुए पूछा अरे उसी परी रोख शोला बदन महपारा को यार खुदा की कसम रंग तो ऐसा है जैसे गुलाब जामुनों का खोया गुंधा रखा हो और ओट ऐसे रसीले के वो बड़ी शरारत से मेरी तरफ देखने लगा मेरे तो जाने क्यों हाथ पांव ठंडे होने लगे उस दिन क्लास में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया घर आया तो इफ़तिलाद सा हो रहा था मैंने खाना नहीं खाया और आंखें बंद करके लेट गया दो रस भरे नाजुक से होंठ मेरे बिल्कुल करीब आ जाते थे और मैं कांप जाता फिर घबरा के इधर उधर देखता कि कहीं अम्मा को मेरे ख्यालों की आवार की नजर नहीं आ रही है उस दिन अम्मा के साथ मैं खाना खाने बैठा तो मैंने डरते डरते कहा अम्मा तुम गुलाब जामुन क्यों नहीं बनाती अच्छा कल बना दूंगी अम्मा को तरह तरह की मिठाइयाँ बनाने का बड़ा शौक था अम्मा, गुलाब जामुनों में खोया डालते हैं मैंने जाने क्यों पूछ लिया। हाँ, खोया, मैदा, शक्कर और घी खोया, मैदा, शक्कर और घी। मैंने अपना होठ दांतों में दबाकर सोचा कि मैं भी शायरी करूंगा उस दिन शाम होते ही मैं बड़ी बेताबी से बाहर निकला और उसी जगह खड़े होकर इधर उधर देखने लगा एक मोटी सी अधेड़ उम्र की पंजाबन सूप लिए बालकनी में आई और कद्दू के बीज और छिलके नीचे फेंक गई फिर दो बच्चे लड़ते हुए गुजर गए एक मोटा सा मर्द रेलिंग से नीचे झुककर नाक साफ करने लगा ऊपर देखते देखते मेरी गर्दन दुख गई ढीले ढाले कदमों से मैं घर की तरफ लौट आया लाया मिला हाथ गुलाब जामुन वाला अभी अभी जब मैं तुझसे मिलने आ रहा था तो तारेक हाप रहा था तो क्या हुआ मेरा दम सीने में रुक रहा था यार आज तो गुलाबी कपड़े पहने हुए हैं बस कुछ पूछो नहीं खुदा की कसम मैंने तो आज उसके ऊपर से चांद सितारे सब वार कर फेंक है शोले की तरह दहक रही है कम वक्त चलो देखें। बेखुदी में तारिक का हाथ पकड़ के मैं तकरीबन भागने लगा वो शर्ट अलगनी पर पड़ी है ना उसी की है कल यही शर्ट पहने हुए थी प्रिंटेड शर्ट अलगनी पर झूम रही थी इतरा रही थी जैसे हंस हंस हम दोनों को धत्ता बता रही हो बस कमर तो इतनी सी है तारिक ने अपने अंगूठे और पहली उंगली को मिलाकर दायरा सा बना दिया मेरी रग रग में किसी तेज शराब का नशा सा दौड़ रहा था मेरे सामने एक हिला एक शोला बतन परी रुख माहवश हसीना मीठी मीठी सहरंगेज चल यार गुलाब जामुन खाने को जी जा रहा है तारिक ने थूक निकलकर कहा हलवाई की दुकान पर जब हम दोनों खड़े गुलाब जामुन खा रहे थे, तो तारिक को बिल्कुल एहसास न था कि मेरे बदन पर कैसा लर्जा तारी था इतनी पतली कमर कैसी नाजुक होगी वो बिस्तर में लेट कर मैंने सोचा गुलाबी लिबास में चमकती गुलाब जामुन की तरह मजेदार मेरे सीने में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा लड़कपन की उदासी और तन्हाई ने मुझे आग घेरा और एक गैर महसूस महरूमी पर मेरी आंखें छलक पड़ी मैंने उसे अभी तक नहीं देखा हल्की हल्की सिस्कियों में, में मेरा बदन लरज़ने लगा जब आदमी किसी एक का हो जाए तो सारी दुनिया कितनी बेमानी सी लगती है कैसे अचानक बहुत दूर चली जाती है मेरे चारों तरफ अजनबी दीवारें उठने लगीं कहानियों के भूले बिसरे किरदारों की तरह मेरे अम्मा अब्बा और बहन भाइयों को देखने लगा अब मैं सिर्फ उसी का हूँ एक दिन मैंने अपनी जवानी के तमाम अजन को समेट कर इरादा किया मैं उसी के लिए पढ़ूंगा उसी के लिए जीऊंगा हाय हाय हंसते वक्त गालों में कैसे गढ़े पड़ जाते हैं जी चाहता है पढ़ लग जाएं और उसके पास पहुंच जाऊं तारे काज फिर मूड में था क्या तुम्हें देखकर हंसी थी मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा अरे नहीं यार मगर कभी ना कभी तो वो दिन भी आ ही जाएगा मेरा जी चाह रहा था कि वहीं से हाथ बढ़ाकर उसे नीचे उतार लूं। हम दोनों खिसिया कर हंसने लगे तूने अभी तक उसे नहीं देखा एक दिन तारिक ने ताज्जुब से पूछा नहीं मगर मैं तो मैंने सोच लिया है कि मैं हकलाने लगा अरे यार खुदा की कसम सोचते तो हम भी बहुत हैं क्या कम हाथ कैसे लगे फिर कुछ सोचकर तारिक ने कहा सुन महमूद वो कमला नेहरू पॉलीटेक्निक में पढ़ती है किसी दिन विद्या से मिलने के बहाने वहां पहुंच जाओ विद्या से उसकी बड़ी दोस्ती है तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैंने ताजुब से सोचा कि तारिक कैसे इतने बड़े मरहले तय कर डालता है विद्या हम दोनों की दोस्त थी और हमारी क्लासमेट रह चुकी थी फिर एक दिन तारिक ने विद्या से कहा विद्या जरा उस शोला बदन परी रुख पारा की एक झलक महमूद मियाँ को भी दिखा दो ये बेचारे बस उसके तस्वुर में ही अपना दिल धड़काते फिरते हैं तुम दोनों तो पागल हो गए हो विद्या ने बुरा मानकर कहा वो बड़ी शरीफ लड़की है अगर उसे ये बात मालूम हो गई तो सच कहती हूँ कि वो बदनामी के डर से जहर वहर खा लेगी विद्या चली गई तो मेरे पाँव मन मन भर के हो गए मीर दर्द गिब और दाग के जाने कितने शेर मेरे कानों में गूंजने लगे चिलमनों के पीछे से देखने वाले उस मुखड़े पे मैं सौ जान से निसार हो गया एक पर्दा नशी हसीना के तस्वुर को मैंने अपने हवा सालूदा दिल में बहुत ऊपर बिठा दिया कई बार मैं कमला नेहरू पॉलिटेक्निक गया मगर इस ख्याल से दिल दहल गया कि कहीं मेरी नज़र उस पर न पड़ जाए वो एक मावराई हस्ती थी जिसके गिरद मैं घूम रहा था मैं उसे पाने की जुस्तजू जु में मरा जा रहा था आज मैं सोचता हूँ कि यह कैसा अफलातूनी इश्क था मेरा मगर उस वक्त अंग्रेज़ी नावलों उर्दू शायरी और न्यू थिएटर की फिल्मों ने मेरी उठती जवानी को एक ऐसा रोमानी सारंग दिया था जिसे निकलना मुश्किल था जब दिल में कोई भेद हो तो बदन कैसा भारी सा लगता है यादों के बादल हर वक्त छाए रहते फिर अचानक कहीं से अंधारी सी आ जाती और मुझे कुछ सुझाई न देता दूर कहीं से अपने आप को ख्वाबों के तश में तन्हा भटकते हुए देखता हूँ ये सब कैसे हो गया था मैं खुद हैरान था जब अंधारी रातों में अचानक कहीं से बादल आ जाते हैं और बिजलियाँ दिल दहलाने पर तुल जाती हैं तो फ़ौर रज़ाई में मुँह छुपा कर लेट जाता हूँ मेरी पाँच बरस की लड़की रास्ता हंस हंस कर कहती है बिजली से डरते हैं उसे क्या मालूम कि मैं जाने किस किस से डरता हूँ ठंडे मोतियों जैसी मेह की फुहार मेरे दिल में आग लगा देती है उसे देखने के जाने कितने मवाक़े आ आकर निकल गए लेकिन मेरे दिल में उसका एक मध्यम सा तस्वुर सलीब की तरह जम गया था मैंने उस महम से ह्योले को एक जिंदा बदन दे दिया था एक हया परवर किरदार जिसकी अजमत उसे याद करने में थी उसे छूने या पाने में नहीं फिर मैंने शायरी शुरू की एक शकर लब शोला बतन परी रुख के लबो रुखसार की शायरी तारिक ने सुनी तो खूब दाद दी जब मैंने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया तो मेरी शायरी कॉलेज से निकलकर शहर के शायरों तक पहुंच गई मैं कॉलेज की लड़कियों का पसंदीदा शायर बन गया लेकिन मेरे दिल की आग और भी भड़क उठी दुख और जुदाई के आंसुओं में डूबे हुए अपने आशार पर मैं खुद ही रोता था मेडिसिन में जा चुका था इसलिए इस मौजू पर बात करने वाला कोई ना रहा था कई बार मेरी सूरत पर बरसते हुए सवाल मेरी बहनों ने पढ़ डाले और इसरार किया कि मैं अपने लिए कोई लड़की तलाश करूं मगर मैं उसे कहाँ ढूंढता वो बालकनी तो अब खाली हो चुकी थी कई बार विद्या से मिला मगर कुछ पूछने की हिम्मत ना पड़ी इतने बड़े शहर में जाने वो कहाँ होगी एक मर्तबा मैं सरे शाम कहीं जा रहा था तो अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी कायनात गुलाबी रंग में नहा गई ऐसा क्यों हो रहा है मैंने ताजुब से सोचा जरूर वो यहीं कहीं मुस्कुरा रही होगी दीवानों की तरह मैंने सारे महल्ले की बालकनियां खिड़कियां देख डाली आखिर एक दिन मेरी बहन ने फैसला सुना दिया हमने आपके लिए लड़की देख ली है बहुत खूबसूरत है कोरी चिट्टी हजारों में एक हंसती है तो गालों में गढ़े से पड़ते हैं गुलाबी कपड़ों में बिल्कुल गुलाब की कली सी लगती है ये खसूसियात मेरी बहन ने मेरी नज़मों से अक्स की थी फिर वही हुआ शादी की रात में यूं सिसक सिसक कर रोया जैसे हर बाजी हार चुका हूँ फिर मैंने घूंघट उठा के अपनी दुल्हन को देखा वो अच्छी खासी काबिल बर्दाश्त थी और मैं बर्दाश्त किए गया लेकिन अब मेरी तिश्नकी और बढ़ गई थी अगर वो मिल जाती तो अपनी बीवी जमीला की जगह मैंने उसे तरह तरह सजा कर देखा मुझे बच्चे उसकी गोद में हुमकते नजर आए और मैं खोई खोई नज़रों से हर तरफ उसे ढूंढे जाता हर खूबसूरत औरत में मुझे उसकी कोई ना कोई अदा मिलती और मैं चंद दिन तक उस औरत का दीवाना हो जाता उसे याद करने के लिए मैंने शायरी की और उसे भुला देने के लिए शराब चखी फिर मैं शराब में डूबता चला गया मगर वो मुझे और भी याद आने लगी उसकी याद मेरी रगों में खून बनकर दौड़ने लगी थी मैं सारा दिन ऑफिस में गुजारता शाम को क्लब जाकर शराब में गर्क होता रात भर टहल टहल कर शायरी करता था मेरी पहली बच्ची लेटे लेटे उठ बैठने लगी थी वो भागते भागते मुझे पकड़ने को दौड़ती लेकिन मैं उसे कैसे थामता मैं तो खुद ही लड़खड़ा रहा था जमीला ने भी मुझे थामने की बहुत कोशिश की पहले उसने अपनी शकलों सूरत से रिझाना चाहा फिर अपनी मोहब्बत और खिदमत के फाहे मेरे जलते हुए जख्मों पर रखे और उसके बाद मायूस होकर घर के काम धंधों में खो गई लेकिन मैंने कभी जमीला की चारों तरफ से घेरती हुई कुछ मांगती हुई आंखों में कुछ नहीं देखा मैं हमेशा उसकी तरफ से करवट बदल कर सोया और आज आज दस बरस बाद तारक आ गया वही रोशनियाँ बिखेरते हुए कह कहे वैसा ही तेज तरह। उसने जिंदगी के सारे मजे चखे थे छह सात इश्क़ किए और फिर एक अजनबी औरत से शादी भी कर ली इसके बावजूद वो मस्त था का रहा था हंस रहा था मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था उसे देखते ही मेरे सब्र का पैमाना छलक उठा मेरा जी चाहा तारिक से लिपटकर खूब रोऊं वही तो मुझे इस आग में धकेल गया था मैंने तय कर लिया था कि आज अपनी महरूमी का सारा हाल उसे सुनाऊंगा मेरे उदास चेहरे और आंसुओं में भीगी हुई आंखों को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा और सुना यार अपने उस अफलातूनी इश्क का अंजाम मेरे जवाब देने से पहले जमीला अंदर आ गई हाथ में स्नैक्स की ट्रे लिए नजरें झुकाए चुपचाप उसने झुककर तारिक को सलाम किया तो तारिक ने बड़े गौर से उसे देखा फिर एकदम उछल पड़ा घबराहट में उसने कई सलाम कर डाले और जब जमीला चाय लाने अंदर गई तो वो चिल्ला कर बोला तो तो क्यों क्या हुआ मैं परेशान हो गया तो बना डाला तूने उस परी रुख शोला बदन महपारा को अपनी बीवी आद मिला हाथ गुलाब जामन वाला